ना सुधरिए ना सुधरिए हाँ तो बोली तो कि बर्थडे मनाऊंगी पर खाने का थोड़ी ना बात हुआ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। अभी देखिए सुबह के 9:30 बज गए हैं और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैंने सुबह का काम भी कर लिया है। ये देखिए अन्नी भी आज रेडी हो गई है सुबह ही, उनके पापा भी रेडी हो गए हैं। हम लोग तीनों आदमी सब लोग रेडी हो गए हैं क्योंकि अभी हम लोग को बाहर जाना है। अन्नी का आज एडमिशन होना है, वहीं स्कूल जा रहे हैं। और आज मैं कुछ भी नाश्ता नहीं बनाई क्योंकि मैं बाहर ही आज नाश्ता करूँगी। और हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि अब लेट हो रहा है। चलिए आप लोग भी चलिए। अब क्या हुआ? नहीं, लीची खा रही है। कहाँ है? ओ तो ले लो, चलो खाओ खाओ खाओ। मनीष ने भी खा लिया। अनी जूता नहीं खोल रही, खोल जूता खोलो, खोलो खोलो, हम खाने भी ले देंगे वो। फाइनली मैं 12:30 बजे घर वापस आ गई हूँ और अक्कू और अनी के स्कूल गई थी, वहाँ से सारा पेपर कलेक्ट कर लिया है। एडमिशन अब 26 को होगा और उसी दिन टेस्ट भी होगा क्योंकि आज नहीं हो पाया क्योंकि अक्कू यहाँ पर नहीं है। कल वो शाम को आ जाएगी, वो अभी मेरे ससुराल में है। और बाहर जब निकले तो बहुत तेज़ धूप थी और प्यास भी लगी थी, तो हमें गन्ने का जूस दिखा। अन्नी के पापा ने कहा कि चलो गन्ने का जूस पी लिया जाए, तो वो तो मिंट वाला पिए पर मुझे वो पसंद नहीं, तो फिर गन्ने वाले भैया ने मुझे प्लेन जूस दिया, मैं वहीं पी। हाँ, फिर अन्नी को रास्ते में लीची दिखाई दिया, वो लीची को चेरी भी कहती है, तो फिर हम वहाँ गए तो वहाँ से हमने लीची ख़रीदा। अभी 100 के 1.5 किलो मिल रहा है तो हम लोग 1.5 किलो लीची लिए। वो तेज़ भूख लगी थी तो कुछ नाश्ते के लिए गए, तो वहाँ हमें चने की सब्ज़ी और कचौड़ी मिला। खाने में तो बहुत टेस्टी थी लेकिन बहुत तीखी और स्पाइसी थी, पूरा पेट जलने लगा तो हम ज़्यादा नहीं खा पाए। लेकिन रास्ते में इतने थक गए थे कि आते ही फिर सो गए। अभी कुछ देर बाद में जगी हूँ, अन्नी तो अभी भी सो रही है। तुम्हारा बाल रहता है झड़ा हुआ? तो मेरा बर्थडे चुंबू मना।
शाम का नाश्ता हमारा हो गया है, भुजा और चाय। और अभी तो गर्मी लग रही है, अभी रात का खाने का कोई डिसाइड नहीं हुआ है, सिर्फ करेला और लौकी है। देखते हैं क्या बनाते हैं, क्योंकि दोनों ही रात का खाने में अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? लौकी में चना का दाल डाल के तो लौकी नहीं, वो सुबह के नाश्ते में बहुत टेस्टी लगती है। बिल्कुल नहीं, तुम गुस्सा हो, कोई बात नहीं, गुस्सा छोड़ दो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से बर्थडे मनाऊंगी और तुमको गिफ्ट भी दूंगी। थैंक यू मम्मा। हाँ कोई बात नहीं, अच्छे से बर्थडे मनाएंगी। हाँ तो बोली तो कि बर्थडे मनाऊंगी, पर खाने का थोड़ी ना बात हुआ, तो पूरी सब्जी खिलाऊंगी। अभी रात के 9:30 बज गए हैं और रात का डिनर हम लोग का हो गया है। अब जा रही हूँ मैं सोने, क्योंकि आज दिन में आप लोग देखे ही बहुत थक गई थी, बाहर गई थी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सबको गुड नाइट, बाय।